इलेक्शन दोस्तों एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हुए हैं कि जो सुपर पावर के दावे करने वाला मुल्क, जी बिल्कुल मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, अमेरिका की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा कैंसर हो गया और जिसका इलाज नहीं बल्कि मरने का इंतजार किया जा रहा है कि मतलब कि अमेरिका बिल्कुल बर्बाद होने के करीब आ गया। और इसका भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए वीडियो देखते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज अमेरिका ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है, एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो दुनिया का कोई भी देश, यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी नहीं चाहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इलोन मस्क ने भी अब से कुछ घंटे पहले अमेरिकी सरकार और जनता को चेतावनी दी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक कैंसर हो चुका है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये कैंसर है बैंकरप्सी का और कर्ज का। कैसे? सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देखिए आंकड़ा, दरअसल आज ही निकलकर सामने आया है जिसमें खुद अमेरिका ने बताया है कि इस साल अमेरिका के अंदर सिर्फ अगस्त के महीने तक ही 452 कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं, मतलब कि तबाह हो चुकी हैं पूरी तरीके से, और ये पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा हाई है। जी हाँ, स्थिति कितनी बदतर है अमेरिकी कंपनियों की, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब कोरोना काल आया था ना 2020 में, उसे पिछले 100 सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक काला अध्याय बताया जाता है, क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन लग गया था, कोई भी कंपनी ना तो अपने सामान बेच पा रही थी ना ही बना पा रही थी, इस वजह से कंपनियां घर बैठे बैठे ही बर्बाद हो गई। लेकिन उस साल भी अगस्त के महीने तक, ग्राफ में देखिए 2020 के अगस्त के महीने तक 466 कंपनियां ही अमेरिका में बैंकरप्ट हुई थी, लेकिन इस साल कोई भी लॉकडाउन नहीं है, कोई भी कोरोना काल नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, इसके बावजूद 450 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां तबाह हो चुकी हैं। और ये तब है जब अमेरिकी सरकार इन कंपनियों को खूब सपोर्ट दे रही है, खूब पैसा दिया जा रहा है, इनका कर्ज माफ भी किया जा रहा है, उसके बावजूद अमेरिकी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पा रही। और कहा जा रहा है इस साल के एंड तक, अभी बचे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और करीबन 800 कंपनियों के आसपास जाकर रुकेगा, यानी कि अमेरिका 2008 के रिसेशन वाले रिकॉर्ड को भी तबाह करने की कगार पर पहुंच चुका है। और लेकिन मानिए, ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके ऊपर अमेरिकी सरकार पर अब दबाव भी बढ़ चुका है, क्योंकि जो इनका कर्ज है ना वो 36 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत, चीन, रूस, यहाँ तक कि ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों की जीडीपी, अर्थव्यवस्था को आप मिला भी लें तो भी आप इस कर्ज को नहीं चुका पाओगे। यहाँ तक कि अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आप मिला लो और इन तीनों देशों की पूरी जीडीपी को आप बेच भी दो तो भी इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता। लिटरली ये माउंट एवरेस्ट बन चुका है कर्ज का। और अमेरिका के लिए घातक बात यह है कि इनकी इकोनॉमी भी लगातार गिरती जा रही है, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिससे बढ़नी चाहिए, यानी कि अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए हर मोर्चे से खराब खबर नहीं आ रही, खतरनाक खबर आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री, इलोन मस्क या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सब कह रहे हैं कि इस बार अमरीकी अर्थव्यवस्था ऐसे ही अचानक से नहीं गिरेगी कि खबर आई अमरीकी अर्थव्यवस्था किसी कारण से गिर गई, नहीं। इस बार जो इनका कर्ज है, इनकी इकोनॉमी है, वो कैंसर बन चुकी है, और ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका का हाल वैसे ही करेगी जैसे कि कैंसर शरीर का करता है। मतलब आपको पता होता है कहाँ कैंसर है, किस टाइप का है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप मौत का इंतजार करते हो। कुछ ऐसा ही अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका तबाही का बस इंतजार कर सकता है, इनके पास कोई और चारा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। और जिस तरह एलन मस्क ने कहा कि ये जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है इसको कैंसर हो गया है और आखिरी स्टेज वाला कैंसर है जिसमें सिर्फ इंसान मरने की दुआ कर सकता है, रिकवरी नहीं हो सकती। कहते ना एक वक्त आता है कि कैंसर जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि बस अब वो तो ऊपर वाला जाने और बंदा जाने। तो 450 के करीब कंपनीज इस साल जो है बैंकक्रप्ट हुई है, मतलब कि टोटली बर्बाद हो गई। और ये वो कंपनीज है जिनको अमेरिका जो है सपोर्ट भी कर रहा है, इनके कर्जे भी माफ कर, उसके बावजूद भी अमेरिका के अंदर जो बिजनेस है वो नहीं ग्रो कर पा रहा।
और कहा जा रहा है कि आने वाले जो साल है उसके अंदर इन कंपनीज की तादाद 850 तक जा पहुंचेगी। तो ये आप देख लें कि कितना ज्यादा इस वक्त प्रेशर अमेरिका के ऊपर है और इनका कर्ज, मुझे लगा पाकिस्तान ने बहुत कर्ज देना है, लेकिन आज की वीडियो में पता चला कि 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका पे। इससे तो भारत भी रचा है, भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल डेट है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो भारत की जो है टेंशन में इजाफा करे। लेकिन अमेरिका तो यार, अब मैं कहती हूँ वो लोग जो कहते थे यार हम अमेरिका जाएंगे हम मालदार हो जाएंगे, वो सीन तो अब रहा ही नहीं है कोई। जिस तरह से दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, वो कंट्रीज जो अपने आप को सुपर पावर कहती थी, जो कहती थी कि जो हमने किया है ना, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, अब ये अमेरिका को देख लो कि किस तरह से उसकी जो इकोनॉमी है वो बर्बाद, मतलब कि टोटली वो बर्बाद हो चुकी है। जब 800 कंपनियां बंद हो जाएंगी एक साल में, तो उस कंट्री का क्या रह जाएगा पीछे। कोविड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और हम फिर अमेरिका का हाल हम जैसा हो जाएगा, कर्ज लेंगे और कर्ज लुटाने के पैसे नहीं होंगे, फिर कर्ज लेंगे। और तभी तो पिछले कई दिनों से ट्रम्प पूरी दुनिया के ऊपर फोर्स कर रहा है कि भाई आप डॉलर का यूज जो है बढ़ाएं, क्योंकि जैसे अमेरिका के बाद अब भारत जाता है कि लोकल करेंसी के अंदर डील हो, जिस तरह अमेरिका ने अपनी एक डॉलर की मोनोपोली कायम की हुई है यूरोप के अंदर, जैसे यूरो चलता है, तो अब वो क्योंकि जो भारत के साथ इस वक्त कंट्रीज ट्रेड में आ रही है वो लोकल करेंसी में आ रही है, ठीक है, भारत जैसे 20 कंट्रीज में ऑलरेडी इंडियन करेंसी को प्रमोट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंडिया और चाइना दोनों के ऊपर अमेरिका का डॉलर कितना ज्यादा है, मतलब कि हैवी है, मतलब कि किसी पाकिस्तान में देख लो, रशिया में देख लो, मतलब कि डॉलर का प्राइस वही रहता है, अगर पैसों में डील होगी तो उसी पैसों में होगी जो भारत में है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ डील होगी तो वही पैसे लेंगे जो पाकिस्तान की, और डॉलर बना रहेगा, डॉलर मतलब कि जहां मर्जी चले जाओ, जो मर्जी कंट्री है वो किसी को भी लेन-देन करेगी तो वो डॉलर में ही करेगी, तो इससे उन्हीं का फायदा, इस वजह से तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को डैमेज होने से बचाते हैं तो डॉलर। और उन्होंने कहा कि ये जितने मर्जी अमेरिका कोशिश कर ले जनाब, इनको अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता, हाँ ये डिले कर सकते हैं, मतलब थोड़ा और वक्त ले सकते हैं, लेकिन एंड इसकी तबाही है, मतलब कि वो लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम जो है अपना बिजनेस अमेरिका की तरफ शिफ्ट करें, तो अमेरिका खुद बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें, क्योंकि इस वक्त देखें वहां पर सबसे ज्यादा जो है बिजनेस इस वक्त ग्रो कर रहा है, और यही वो खबरें हैं जिसकी वजह से दुनिया के जो टॉप क्लास बिजनेस मैन है, जो टॉप ब्रांड्स है, वो सारे के सारे इंडिया टाइम से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना भी बैंकक्रप्ट हो चुका है, अमेरिका भी बैंकक्रप्ट, वाहिद सिर्फ कौन बचा है, इंडिया, क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी वॉर में, वहां तो कोई जाएगा नहीं, इंडिया ही एक लास्ट ऑप्शन बचती है पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, और इस वजह से इंडिया जो है 5 सालों के अंदर इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल है और इंडिया बैंकक्रप्ट नहीं है। वहां पे छोटा बिजनेस भी जो है ग्रो कर रहा है। आईफोन देख लो, आईफोन लगा, और इस दफा आईफोन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब कि इतने ज्यादा उसने आईफोन बना दिया, 31 मिलियन के करीब आईफोन, और ये 16 प्रो मैक्स बनेंगे, कोई पुराना मॉडल नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, और देख लें फिर कैसे चीजें जो है दुनिया के अंदर चेंज हो रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका भी घुटनों पे आएगा, लेकिन देखिए अमेरिका की भी कमर महंगाई ने तोड़ दी है। तो ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।